हेलो दोस्तों, CISF विच कॉन्स्टेबल की तो ट्रेडमेंट की वैकेंसी आ चुकी है जी। तो टोटल किनिया वैकेंसियां ने बारे आप गल करांगे की क्वालिफिकेशन आ, किदा अप्लाई करना वा, किदा सिलेक्शन होनी, बारे आप गल करांगे जी। तो पहली तो गल है कि 787 वैकेंसियां ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहिंदे आ जी CISF नूं, उहदे अंदर वैकेंसी आ जी। अपलाई मोड ऑनलाइन, मतलब कि तुसीं ऑनलाइन मोड 'च अपलाई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ जी। तो एप्लीकेशन फीस की गल करते हैं, SC ST एक्सरसमैन की कोई फीस नहीं आ, तो ऑनलाइन मोड राही तुसीं अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि फीस पे करोगे जी। तो बाकी जिहड़े SC ST एक्सरसमैन तो जिहड़े अदर कैटेगरी ने, जिदा जनरल हो गए, EWS OBC हो गए, उन्हां दी 100 रुपया फीस आ जी। तो 21 नवंबर तो फार्म भरने स्टार्ट आ जी, लास्ट डेट हैगी जी 20 दसंबर। तो ये मतलब कि दसी गई जी हाइट तुहाडी किन्नी होनी चाहिए आ जी, तो जिहड़े शड्यूल ट्राइब्ड हैगे आ कैंडिडेट मेल तो फीमेल, उन्हें दसी गई मेल की 165 सेंटीमीटर चाहिए आ, फीमेल की 155, तो जिहड़े अदर हैगे जी ठीक आ उन्हां दी 162.5 सेंटीमीटर, तो फीमेल की 150 सेंटीमीटर। तो वेट भी दस्या गया जी कि कितना होना चाहिए, वो तुम देख सकते हो। इसकी गल करते हैं, 18 तो लैके 25 साल एलिजिबल आ, बाकी SC ST OBC जो छोड़ मिलती सरकार वालों मिलेगी जी। क्वालिफिकेशन 10वीं पास वाली, बाकी होर इनफॉर्मेशन देखा की चाहिए नाल नाल। आपां हुण नोटिफिकेशन ते जाने आ जी, तो मैं तो नोटिफिकेशन मतलब कि तुहानू पा दांगा टैलीग्राम ग्रुप दे, टैलीग्राम का लिंक इस वीडियो के अबाउट आ जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ जी, तो ये मेल तो फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल आ। तो जे आप तनखा की गल करते हैं, Level 3 तनखा मिलेगी 21,700 तो लैके 69,100 तक तेरी तनखा जाऊगी जी। तो बाकी है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल मतलब है, ये कुक, टेलर, बारबर, वाशर, मतलब कि ट्रीटमेंट की वैकेंसी आ, तुम देख सकते हो। तो 787 के सारी दसिया गई ने, तो जोड़ा तरह मतलब कि सैक्टर पैंता, मतलब कि जोड़ा जोन पैंता, वो अकॉर्डिंग वैकेंसी की वंड की गई, तुम देख सकते हो। तो इन्होंने जोड़ा भी तुम्हें कई काम आता वो तुम वो अपलाई कर सकते हो, नाल नाल मतलब कि स्किल चाहिए आ, ये कोई चीज़ नहीं मंगी, बस 10वीं मंगी कि ना तो मतलब कि स्किल होनी चाहिए आ। तो बाकी जोड़े भी कैंडिडेट अपलाई करना चाहते कर सकते, ऑनलाइन मोड राही अपलाई होना जी। तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपया ठीक है, बाकी कैंडिडेट तुम्हें पता SC ST एक्सपीरियंस मैंने कोई फीस नहीं आ। तो तुहाडा पहला फिजिकल टैसट होगा जी, उस तो बाद रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम तो बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वह मैडिकल टैसट होगा जी। तो जोड़े भी कैंडिडेट अपलाई करना चाहते कर सकते हैं जी। ये कोई अग्निवीर योजना राही मतलब कि नहीं भर्ती होंगी, ये जिनी सर्विस होंगी जिन्ना चर उन्नी चर होगी ठीक है। 10वीं के नाल नाल मतलब कि स्किल ट्रेडर किच हैगी वो तुम अपलाई करोगे जी। बाकी जोड़े भी कैंडिडेट है जी अपनी वेख सकते, हाइट कितनी चाहिए आ ठीक है, सर वेट कितना चाहिए अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। कोई तेजे मतलब कि शरीर वगैरह टैटू वगैरह ना हो, जिदा तुम्हें पता आर्मी के चलता वा। तो बाकी जी इनफॉर्मेशन जरूरी सी वो मैं दस चुकिया जी, तुम देख सकते हो आप। तो जोड़ा भी कैंडिडेट अपलाई करना चाहता कर सकता जी। तो बाकी कि सैक्टर तुम पेंदे हो, जिदा मतलब कि पंजाब के अंदर पैंता, नॉर्थन सैक्टर के पैंता वा, वो अकॉर्डिंग तुम अपनी वैकेंसी की वंड देख सकते हो। तो मैं तुम्हें सारा कुछ दस सकिया जी कि कितों अपलाई होना वा, कि अपलाई करना वा ठीक है जी, ऑनलाइन मोड अपलाई करना वा, लास्ट डेट भी दस चुके कि नहीं, लास्ट डेट है कितों तो अपलाई स्टार्ट होना वा, 21 नवंबर तो स्टार्ट आ जी अपलाई होना, तो 20 दसंबर लास्ट डेट हैगी। वधिया पे स्केल आ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ, कोई अग्निवीर योजना के अकॉर्डिंग नहीं होनी भर्ती है। तो वधिया वैकेंसी जिहड़ा भी अपलाई करना चाहता जी कर सकता।